हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इंद्री में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 22 अगस्त को सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा के बैठक में रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज पहुंचे। साथ ही राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से ज्यादा नेता टिकट के दावेदार हैं, लेकिन जिसको भी बीजेपी टिकट देती है सभी लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सीएम के जन आशीर्वाद यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुटता दिखानी होगी, ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए कंबोज बोले कि हरियाणा में कोई विपक्ष ही नहीं है। जेजेपी और बसपा के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का कोई असर नहीं, क्योंकि ये दल पहले भी गठबंधन कर चुके हैं लेकिन जनता ने उनको सिरे से नकारा। इस दौरान उन्होंने 18 अगस्त पूर्व सीएम हुड्डा की रैली को लेकर कहा कि सभी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने, रैली करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत हुड्डा अपना काम कर रहे हैं। कि आज विपक्ष नाम की चीज तो हरियाणा के अंदर रही नहीं है। विपक्ष के जितने भी बड़े नेता आज वो चुनाव से भाग रहे हैं, उनके पास कहीं कोई लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक जगह 30-30 से 40-40 जो है ना लोग आज लाइन में है, टिकट मांग रहे हैं। ये समझौते तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, जब तो ये ज्वाइंट भी थे तब भी इनके समझौते हुए, तब भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा रहा। अब तो इनका परिवार ही बिखरा हुआ है, तो अब इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सब अपने जमानते ही इनकी कहीं बचने वाले नहीं है। तो इस प्रकार का हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जनता ने जो 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट के काम हुए, जो ईमानदारी से बच्चों को भर्तियों में जो अवसर प्राप्त हुआ है, तो उसको लेकर के आज और अभी जो धारा 370 जो एक महत्वपूर्ण विषय था पूरे देश के लिए, राजनीति में हर व्यक्ति को आप अपना प्रदर्शन करने की खुली छूट है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई रैली निकाल सकता है, कोई प्रदर्शन कर सकता है, कोई जुलूस निकाल सकता है, वो अपनी रैली निकालते रहे, हमने इसमें कोई लेना देना नहीं।